नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। जिस किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, इतने बेहतरीन तरीके से अंकगणित आपको सपोर्ट कर रहा है। कुंडू बाबा का ये वीडियो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी लाइक्स में इतनी कमी है जैसे किसी चीज़ का चार्ज देना पड़ रहा हो, रुपया देना पड़ रहा हो कि भैया लाइक करने के तो पैसे कट जाते हैं। आप किसी चीज़ से फ़ायदा ले रहे हो तो उसको फिर अप्रिशिएट भी किया जाता है, उसको सराहा भी जाता है। और सराहने का तरीका क्या होता है, कुछ भाई कमेंट करके बताते हैं, तो कुछ भाइयों को लाइक करना चाहिए वीडियो को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, लोग मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अच्छी मेहनत करनी है मुझे। बाकी आप समझदार हो, आपको खुद को ये फैसला लेना है। कल दिल्ली बाज़ार ने 54 के साथ खेल शुरू किया, श्री गणेश 78 के साथ, फरीदाबाद में 86 आई, गाज़ियाबाद 15 के साथ रहा, गली में 70 और दिशावर में आज सुबह 0-3 देखने को मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया, मैंने आपको पहले ही एक चीज़ का खेल बता दिया था कि 0 खुलने की संभावनाएं हैं, वो टॉप क्लास हैं। तो ठीक है जी, ये टॉप क्लास थी और अभी भी टॉप क्लास रहेंगी, ये और ये टॉप क्लास पासिंग देकर गया है। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर क्रॉसिंग पास नहीं हुई क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं था, तिग्गी नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक अंक था जो हमें सपोर्ट कर रहा था, बैक टू बैक सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दी थी कि भैया, पंजे का अंक 0 का जो है सपोर्ट में काम कर सकता है, रिप्लेसमेंट रह सकता है। आपके लिए मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर रिप्लेसमेंट देख ली होगी, यहाँ पर रिप्लेसमेंट देख ली होगी। तो इसे कहते हैं अंकों की ताकत। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आपको 0 और 5 के खेल से अवगत करवा दिया था, मिलवा दिया था। अब फटाफट से बात करूं तो भैया, कल आपकी क्रॉसिंग यहां पर पास रही है, फरीदाबाद गाज़ियाबाद में आपकी क्रॉसिंग पास रही, बहुत बहुत बधाई। आप यही सब मुझसे चाहते भी हो कि बाबा जी शुरू में ही हमारा खेल पास हो जाए, हम अपना खेल फिर आगे ले जाएं ना ले जाएं वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन शुरुआत में एक बूस्ट मिल जाता है कि हमारी गेम पास हो गई, अब हमें नुकसान नहीं हो सकता। तो ये चीज़ राम जी ने खूब कृपा करी आप पे। इसके अलावा गाज़ियाबाद में जो 15 पास रही है ना, वो लाजवाब है, वो टॉप क्लास है। मज़ा आ गया कल 15 के साथ जो खेल बनाया। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मैंने किस प्रकार से 2 जोड़ी देने के बाद, सारा खेल हटाने के बाद दोबारा से आपको खेल बताया। इसी को कहते हैं राम जी की कृपा, नज़र सीधी होना। कुंडू बाबा परिवार पे राम जी नज़र सीधी है एकदम, बाबा का बहुत आशीर्वाद है कि इस प्रकार से उन्होंने सिंगल जोड़ी के रूप में गेम पास करवाई। पिछले 5 दिनों में एक दिन वीडियो बनानी है, बाकी 4 दिनों में हर दिन लोकेशन से एक जोड़ी एक गेम पास हुई हुई है। तो राम जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप सभी का प्यार ऐसे ही बने रहे। जो कुछ बेहतरीन मैंने सीखा है, समझा है, जो कुछ मुझे अच्छा आता है, वो आप सबके साथ दिल खोल के साझा कर देता हूँ। बस आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद विचारना पड़ेगा कि भैया मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। आपके जो अभिलाषा क्या है, आपका जो महत्वाकांक्षाएँ क्या है कि भैया आपको किस प्रकार से फ़ायदा लेना है। अगर किसी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएँ हैं, बिल्कुल सबको साइड रख देना चाहता है वो, तो वो बात है गलत। सबका ध्यान रखते हुए, चीज़ों को अच्छे से समझते हुए, आप इस खेल का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आज के अंकगणित पे चर्चा करना चाहता हूँ, आज का अंकगणित आपके लिए क्या कुछ लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, आज 6 सितंबर मंगलवार का दिन है, आज के लिए जो सबसे बेहतरीन अंक आज भी आपको फ़ायदा करवा सकता है, उसमें 0 आज भी टॉप पर रहने वाली है। इसके अलावा जो टॉप अंक हैं, लाइन से चलते रहेंगे, 8 का अंक बेहतरीन है, 5 का अंक बेहतरीन है, 3 का अंक बेहतरीन है, 21 का अंक बेहतरीन है और 6 का अंक बेहतरीन है। देखो, जो खिलाड़ी लगातार कंसिस्टेंट होके परफॉर्म कर रहा है, उसे टीम में लेना कप्तान की मजबूरी भी होती है और ज़रूरत भी होती है। आपका कप्तान कौन है? कुंडू बाबा। हमारे मेन खिलाड़ी कौन है जो हमें लगातार रिजल्ट दे रहे हैं? 6 हमारी
86 के साथ लगी है, ठीक है। जीरो हमारी देखो 70 पे, 03 पे लगी हुई है। पंजा हमारा 15 पे लगा हुआ है, 54 पे लगा हुआ है। तिग्गी मैंने आज वापस ली है, 9 लगाया हुआ था, कल तिग्गी हटाई हुई थी तो तिग्गी मैंने वापस ली है। इसके अलावा इक्का हमारा यहाँ पे 15 में पास हुआ है। तो ये हमारे परफॉर्मर खिलाड़ी हैं जो हमें मौका दे रहे हैं लगातार जीत दिलाने में, फ़ायदा बनवाने में। कल एक चीज़ बता के गया था कि जोड़ियाँ बता रहा हूँ, अंक बता रहा हूँ, जो भी समझ में आएगा उसे इस्तेमाल कर लेना। और मुझे ना अपने वीडियोज़ में एक बात बहुत बढ़िया लगती है, आप सबसे मैंने ये बात सुनकर सीखकर इस बात का फैसला किया है कि लोग मेरी वीडियो से खूब फायदा कमा लेते हैं। अगर मेरा गेम लोकेशन से पास नहीं होगा तब भी लोगों को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि खेल जो बताया जाएगा वो राम जी की कृपा से इतना बढ़िया बताया जाएगा कि खेल नजदीक होगा, आगे पीछे होगा, तो लोग फायदा लेते हैं। जिसका कारण है कि अगर एक दिन वीडियो ना आए तो लोग कहते हैं कि भैया जी वीडियो बनाओ, आप अपना काम करो, फेल पास चलता रहता है। तो इन सब बातों के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूं मैं। आप इतना सपोर्ट करते हैं, बार बार कहने का मन करता है, क्योंकि भैया बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी को इतना सपोर्ट नहीं है, किसी को इतना प्यार नहीं है जितना आपने अपने कुंडू बाबा को दिया है। तो भैया हाथ जोड़ के नमस्कार है आप सभी को और बहुत सारा प्यार है। ये क्रॉसिंग के अंक जो बढ़िया तरीके से मैं समझा सकता था ना आपको, उतने बढ़िया तरीके से समझा दिया। जो भी अंक आपको पसंद आ रहा हो ना, उस अंक के साथ जोड़ियां बना लेना, सारे अंक अपना काम करके जा सकते हैं, इतना मजबूत खेल बन रहा है आज का। बाकी देखो राम जी की कृपा है, जो भी वो चाहेंगे ना वो जो बढ़िया होगा वो हमारे लिए रखते हैं, वो जो सबसे बेस्ट होता है ना वो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान भरोसे भी छोड़ देनी चाहिए। सारी चीज़ें अगर हम अपने हाथों से प्लान करेंगे ना अपने लिए तो हम फिर गलत साबित होंगे। इसलिए राम जी हम पे अपनी कृपा बनाए रखे, आगे खेल बढ़ाते हैं। आज का दिल्ली बाज़ार का खेल क्या कुछ बेहतरीन लेके आ सकता है 54 के ऊपर। तो मुझे जो खेल दिख रहा है ना 54 के ऊपर, वो एक ट्रिक है, वो एक पैटर्न है कि भैया यहाँ पे ना 52 का खेल और 57-75 का खेल मजबूत रह सकता है, ठीक है जी। 57-75 मैंने इसलिए लिख दी है क्योंकि 75 भी मजबूत है, 25 भी मजबूत है, लेकिन 52 सबसे पहले है तो इसलिए 52 रखी है। 57-75 में दोनों ही जोड़ियाँ टॉप क्लास हैं। अगर अंक की बात करोगे तो मैं कहूँगा आपको कि पंजे के साथ जाओगे तो फ़ायदा लेकर आओगे। चांस हैं, दुग्गी हमारे पास क्रॉसिंग में नहीं है, सत्ता हमारे पास क्रॉसिंग में नहीं है, लेकिन इस जोड़ी की इन अंकों के साथ यहाँ पर जगह बन रही है तो साझा की गई है। अब यहाँ से विचार आपको करना है कि आपने क्या देखा। जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने आपके साथ दिल खोलकर साझा कर दिया है। आप एक बार इस पर नज़र मार लें, देख लें, अगर आपको लगे कि हाँ ये दोनों जोड़ियाँ अपना काम करके जा सकती हैं तो आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको डाउटफुल है खेल तो आप अंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपको बढ़िया लगे आप उसका इस्तेमाल कर लेना। अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। देखो श्री गणेश में ना वो ट्रिक लग नहीं रही जिसके लिए आप मुझे जानते हो, जिसके लिए मैंने आपको गेम देना शुरू किया। तो श्री गणेश के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। श्री गणेश में कुछ भी अच्छा बनेगा मैं रोज़ाना के साथ बता दूंगा कि भैया दिशावर में ये खुला है या फिर फरीदाबाद में ये खुला है, तो इसके बाद ये ट्रिक श्री गणेश को जा सकती है, तो मैं आपको उस पर ज़रूर बताऊँगा। लेकिन हाल फिलहाल में मैं चाहता हूँ कि आप श्री गणेश को थोड़ा सा पीछे रखें और फरीदाबाद के साथ खेल को नोट करें कि फरीदाबाद क्या कुछ कर सकता है। तो भैया कल हमने एक चीज़ नोट करी कि गाज़ियाबाद ने 16 के घटाने पे 15 मारा, तो ऐसे ही आज 86 के घटाने पे यहाँ पर 1.85 बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं। इसके अलावा एक संभावनाएं हैं 56-65 की, ठीक है जी, दोनों जोड़ियाँ टॉप क्लास हैं, और एक संभावना यहाँ पर 0-6 की भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस खेल में दम है, इस खेल में पासिंग के गुण हैं, तो आप इस खेल का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे हिसाब से तीनों ही जोड़ियाँ लाजवाब हैं, टॉप क्लास हैं। 6 कल हमारा यहाँ पर 86 के रूप में पास हुआ था, 8 क्रॉसिंग के रूप में पास हुआ था हमारा, तो यहाँ पर जो हरूप बन रहा है ना मेरी समझ से, मेरी समझदारी से, वो बन रहा है 6 के अंक का। और मेरा दिल कह रहा है कि भैया जैसे 16 के ऊपर कंपनी ने 15 किया, ऐसे ही 86 के ऊपर कंपनी 1.85 लेकर आ सकती है। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो इस्तेमाल कीजिएगा, दिल खोल के इस्तेमाल करो, विश्वास के साथ इस्तेमाल करो। अगर लगे कि यार खेल तो डाउटफुल है, बिल्कुल पीछे रखें, जो पहले आपका खेल बन रहा है उसको प्राथमिकता देनी है। अब यहाँ से गाज़ियाबाद का खेल क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है। तो देखो गाज़ियाबाद के खेल में हमारे सामने है 15 का खेल। अब 15 में 16 घटाया, 16 ने एक घटाया, 15 हो गया। अब 15 में से पहले एक घटाएंगे तो भैया मेरे हिसाब से यहाँ पे 0-5 का खेल बेहतरीन रह सकता है।
मेरे हिसाब से यहाँ पे 95 का खेल बेहतरीन रह सकता है। तो देखो दोस्तों, 95 आज की अच्छी जोड़ी है, सिंगल जोड़ी है, चांस अच्छे हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने बना लिया आपका पंजे के साथ खेल, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक खेल ये भी बन रहा है कि हमारे लिए कल यहाँ पे पंजा भी खुला, हमारे लिए इक्का भी खुला, हमारे लिए 15 की जोड़ी सिंगल के रूप में निकल कर आई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप एक इक्के को जगह देंगे तो 17-71 के साथ दे सकते हैं, और अगर इक्के को दूसरी जगह देंगे तो 13-31 टॉप क्लास रह सकती है। एक बार इस खेल पे नज़र बना लेना। कल हमारे लिए यहाँ पे पंजा टॉप क्लास रहा, हमारी गेम निकल कर आई, इक्का भी निकल कर आया। तो आप एक बार इस खेल पे देख लेना। कोई भी भाई ना टेंशन में ना आए कि यार दो दो हरूफ दे रखे हैं, जहाँ पर जो अच्छा बन सकता है ना आपके लिए वो काम किया गया है। पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? अगर आपको लगता है पंजा अच्छा है तो आप पंजे के हरूफ को मेन बनाकर खेलो, जोड़ियाँ बनाकर खेलो। अगर आपको लगता है कि नहीं इक्के का हरूफ मजबूत है तो आप इक्के के हरूफ को मजबूत बनाए खेलो, पहली चीज ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको लगता है पंजा मजबूत है तो पंजे पे ज्यादा विश्वास दिखाओ, इक्के पे थोड़ा कम विश्वास दिखाओ, क्योंकि हमें हमेशा सपोर्ट के लिए तो चाहिए ना चीजें। जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हमें काम कैसे निकल कर आएगा? एक सामने टीम खेल रही है, मैच चल रहा है, तो दो खिलाड़ी मजबूत खेल रहे हैं, हमें एक सपोर्ट में बैट्समैन चाहिए होता है ना कि भैया ये मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, क्योंकि अगर एकदम से 2-3 विकेट गिर गए तो हमें सपोर्ट चाहिए कि हमारी टीम रन बना सके। तो हम भी उसी तरीके से खेल को चलाते हैं। हर खेल का, हर चीज़ का पैटर्न यही होता है, आपने देखा होगा ना, हर किसी पे जो काम करते हैं या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ एक तरीके से चलती है, वो इसी प्रकार चलती है ना कि भैया आदमी काम करता है, अपनी जमा पूंजी जमा करके रखता है, क्यों? सपोर्ट के लिए। कभी कोई समस्या आ जाए, राम जी ना करे कि कोई समस्या परेशानी आ जाए उसके घर में, तो वो जो जमा पूंजी उसने रख रखी है वो सपोर्ट करेगी उसे, उसको वहाँ पे फ़ायदा देगी कि भैया ले मैं तेरे लिए बैकअप में खड़ी हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं जो खेल को समझने के लिए काम करती हैं। अब समझने का तरीका किसका कैसा है, किसको कौन सी चीज़ समझ में आती है, भैया वैसे समझाने की कोशिश कर देते हैं, लोगों को समझ में आए, लोगों को फ़ायदा हो, इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ है नहीं। सब खुश रहें, मैं खुश हूँ, आप सबकी खुशी में मेरी खुशी है। गाज़ियाबाद कवर कर ली है, अब गली के साथ बढ़ते हैं फटाफट से आगे। गली में क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है? तो देखो गली में ना 70 के ऊपर लगातार यहाँ पर 2 दिन से 0 खुल रही है। अब 0 खुल रही है तो क्या कुछ बेहतरीन ले सकते हैं? देखो एक ट्रिक चल रही है, 30 लगातार खुल रही है, 0-3 पहले लगातार 2 दिन गाज़ियाबाद ने 30 खोली, उसके बाद से आप नोट करना 0-3 खुले जा रही है। तो अभी भी इस जोड़ी में इतनी ताकत है कि ये दोबारा खुल सकती है, गली को जा सकती है। और आपने देखा भी होगा दिशावर ने 56 खोला, गली के लिए 56 गया, दिशावर ने 75 खोला, गली के लिए 75 गया, दिशावर ने 65 खोला था, गली ने 56 लिया था, इसने 75 खोला, गली ने 75 लिया, हमने गेम पास करवाई। आज भी वही ट्रिक लगाएंगे, 0-3-30 हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गेम कटेगा तो राशि में कट सकता है, 35 पे कटेगा, 35 पे आएगा तब भी हमारा फ़ायदा है। इसके अलावा 0-8, ये तीनों ही जोड़ियाँ टॉप क्लास हैं, एक ही फैमिली का घर है। जो अंक बनेगा यहाँ पर आपके लिए वो 0 बनेगा, मेरे हिसाब से 0 अच्छा रहेगा यहाँ पर। अगर आपका बनता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पहले आप अपना खेल बना लेना, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं हमें करना चाहिए। अब फटाफट से बात कर लेते हैं दिशावर की। दिशावर की बात करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, सभी टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हैं, टेलीग्राम पर जुड़ना है, टेलीग्राम पर जुड़ना है। आप टेलीग्राम पर जुड़ते हो, 2 दिन देखते हो कि भैया कुंडू बाबा ने कोई अपडेट नहीं किया, वहाँ से ऐसे भागते हो जैसे किसी कोई भूत पीछे पड़ गया हो, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों का वहाँ पे जुड़ने का। दूसरी चीज़ ये है कि भैया टेलीग्राम पर अगर आपको जोड़ा जाता है ना, तो उसका पीछे एक कारण ये भी है कि वहाँ पे खाईवाल का पर्चा पड़ा हुआ है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे खाईवाल के पास अपना गेम प्ले करते हो, मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। जब मेरा मन करेगा, जब मुझे लगेगा कि सही टाइम है लोगों की यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ने की, जो उम्मीद जो विश्वास है वो ज़्यादा है, मैं अपने आप टेलीग्राम का लिंक डालूंगा। ज़्यादा जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ की कि भैया टेलीग्राम का लिंक दे दो, हमें जुड़ना है, फिर कहीं गलत जगह पे जुड़ो। टेलीग्राम पर कुंडू बाबा के नाम से 500 चैनल चल रहे हैं, 500 चैनल। मेरे जैसा फ़ोटो लगा लेंगे, मेरे जैसे हिंदी लिखनी शुरू कर देंगे, लेकिन एक चीज़ में मारे जाते हैं, पूछो क्या? वो चीज़ ये है कि भैया वो मेंबरशिप चलाते हैं, कहीं पर गेम पास करवा के फेक स्क्रीनशॉट बना के उस पर डाल देते हैं। बस आपको एक चीज़ नोट करनी है कि भैया जो कुंडू बाबा का टेलीग्राम है ना, उस पर ना आपको किसी भी प्रकार का ऐसा फ़ोटो देखने को मिलेगा ही नहीं जो आपको लेन देन पैसे की प्रक्रिया दिखा रहा हो कि भैया यहाँ पर मेंबरशिप में गेम पास हुआ है, या फिर यहाँ पर मैंने आपको पेड ग्रुप में कोई गेम पास करवाई है। वहाँ पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल एकदम झूठ, एकदम समझ लेना कि भैया फेक है।
यही चीज है बस, और तो कुछ भी नहीं है। लोग कॉपी करते रहते हैं, देखा है ना आपने, एक कंपनी है रिबोक, उसका रिबुक बना लेंगे, उसका रिबूट बना लेंगे, उसका फलाना बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सब चलता रहता है। हर चीज के पीछे कॉपी चलती रहती है। बस आपकी जागरूकता है कि आपने किसको चुना है, आपकी परख कितनी है कि आपको पता है ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों पर काम करो, समझदारी दिखाओ, आपको ही फायदा है। जब मेरे पास कुछ अपडेट बनेगा ना, डंके की चोट पे टेलीग्राम पे साझा किया जाता है। बस बनने दो कुछ, अपने आप नॉर्मल गेम पास हो रहा है, क्रॉसिंग पास हो रही है, क्यों उसमें भड़क देनी भी, मतलब कि भैया अब ये खेल लो वो खेल लो। गेम में अपडेट कब दिया जाता है, जब हमें ज़रूरत हो, जब हमें लगे कि हमारा खेल फेल हो रहा है और हमारे सामने कुछ ऐसा है जो हम फ़ायदा ले सकते हैं, तब अपडेट दिया जाता है। तो ये समझदार लोगों, इस बात को समझ लो। अब दिशावर में एक खेल लेके आया हूँ, दिशावर में कल जो नंबर दिए थे उनके साथ जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने नंबर दिए थे ना कहीं उनमें समीकरण है गेम पास करवाने के। देखो मैंने 69-09 और 79 का खेल आपको 03 जिस दिन आज खुला है ना सुबह, तो मैंने कल आपको ये खेल दिया था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार 2-9 खुलने के बाद ये समीकरण बन रहे थे, लेकिन कंपनी ने खेल को 9 के बाद 0 के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक चांस है, मैं चाहता हूँ आपका बने तो इस खेल को लेके चलें। एक समीकरण है इसमें, एक ताकत है इन जोड़ियों में कि भैया कई बार ऐसा हुआ है कि मजबूत जोड़ियां बनी लोकेशन के साथ, अगले दिन उन्हें छोड़ दिया और अगले दिन वो पास हुई हैं। तो कुछ चीज़ों से सीखा है, जो पिछले महीने गलतियां करी हैं उससे पिछले महीने कुछ गलतियां हुई हैं। तो कोशिश की है कि अगर कोई मेन जोड़ी है तो उसका इस्तेमाल अगले दिन भी करना है, अगर अगले दिन भी करना पड़ जाए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटो क्या है हमारा, हमारा मेन मोटो है यहाँ पे, मेन हमारा जो विचार है वो ये है कि गेम पास होनी चाहिए। गेम पास होगी ना तो फ़ायदा अपने आप निकल कर आएगा, 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर अच्छे नंबर हैं तो उनका उपयोग अच्छी तरीके से करना चाहिए। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, दिल खोलकर वीडियो बनाई है, मज़ा आया वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा, आपको वीडियो पसंद भी आएगा और आपकी जो लाइक करने की परसेंटेज है ना वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो बढ़ेगी तो मेरे अंदर एक जोश आएगा कि हाँ मुझे और अच्छा काम करना है, और अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक करना है, चीज़ें बतानी है, फ़ायदा दिलवाना है, कोशिश करनी है फ़ायदा दिलवाने की। फ़ायदा एक ही इंसान दिलवाता है, एक परमात्मा है, राम जी हैं, वो दिलवाते हैं, परमपिता परमेश्वर दिलाते हैं। हम तो भैया सिर्फ जरिया हैं कि चीज़ें बता देते हैं, आपको फ़ायदा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। ये सब कुछ राम जी को समर्पित है, पास होना, फेल होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब राम जी को जा रहा है। राम जी खूब कृपा करें आप पर भी, मुझ पर भी। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, बहुत सारा प्यार।